नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक ज्योग्राफी के चलने वाले सेशन में फिर से स्वागत है। और जो अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं उसमें से पीसवत रेखी निम्नवर्त पेटी के बारे में आपको जानकारी दे दी जा चुकी है। और जो हमारा नेक्स्ट नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो क्या होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी? तो 23 से 1/2 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साइड दोनों में जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पेटी। तो देखें, ये हमारा हो गया अर्थ का पोर्शन, ये हमारी पीसवत रेखा या मध्य रेखा भूमध्य रेखा, ये पोर्शन हो गया 23 से 1/2। इसे भी मान सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 23 से 1/2 डिग्री साउथ हो गया। उसके बाद वाला जो पोर्शन रहेगा ये इधर रहेगा, ये रहेगा 35 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा दोस्तों, इसी क्षेत्र को तो हम बोलेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यही क्षेत्र तो होता है हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो नोट डाउन कर लें और लिख लें, यही होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो इस पेटी का निर्माण एक्चुअल में आयनवर्ती हवाओं का नीचे की तरफ उतरने से होता है। जो आयनवर्ती हवाएं होती हैं वो नीचे उतरती हैं, तो इन पेटियों का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र में क्षैतिज हवाएं नहीं चलती हैं, जिसके कारण ये अश्वच्छांश भी कहा जाता है। यह क्षेत्र पवनों का अपसरण, मतलब इसे हम अश्वच्छांश भी बोलते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अश्वच्छांश कौन सी पेटी को बोला जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अश्वच्छांश तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को बोलते हैं अश्वच्छांश। तो ये चीज़ हो गई अश्वच्छांश, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट नंबर रहेगा, नेक्स्ट नंबर है अधोध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। अधो ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। तो क्या होता है अधोध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी? तो देखें दोस्तों, 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 66 डिग्री और 66 से 1/2 बोल सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अधोध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। अधोध्रुवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 90 डिग्री पे ध्रुव होता है और ये 45 डिग्री से स्टार्ट होती है, तो इसलिए बोलते हैं इसे अधोध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी है। तो यहाँ पर हम मैप में शो अप भी कर सकते हैं इस पेटी को। तो देखें, ये हो गई हमारी अधोध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ हम मान सकते हैं कि ये 45 डिग्री होगा, इधर भी मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है। फिगर थोड़ा छोटा ज़रूर हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। और इधर वाला पोर्शन हो गया, इसको मान लेते हैं 65, सॉरी नॉट 65, 66 एंड 1 y 2 डिग्री, 66 एंड 1 y 2 डिग्री। तो ये क्षेत्र हो गया हमारा अधोध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। तो इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में बता ही चुका हूँ। इस पेटी को भी अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, इस पेटी को अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। तो अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे अभिसरण क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर पछुआ एवं ध्रुवी पवने हैं। देखिए, यहाँ पर पछुआ और ध्रुवी पवने आकर मिलती हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। कौन कौन सी पवने? पछुआ और ध्रुवी, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने यहाँ पर आकर मिलती हैं एक दूसरे से, ठीक। तो इस क्षेत्र में ध्रुवी वाताग्र बनता है, या पोलर फ्रंट भी बोलते हैं, पोलर फ्रंट बोलते हैं उसको। तो ध्रुवी वाताग्र इसी क्षेत्र में बनता है। तो मतलब अगर पूछे किस वायुदाब पेटी में ध्रुवी वाताग्र बनता है, तो ध्रुवी वाताग्र बनता है इस पेटी में, अधोध्रुवी में, ठीक है।
तो शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है, जिस कारण यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है। तो चौथा नंबर जो हमारा लास्ट है वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये चीज है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्या होती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी? सूर्य इन क्षेत्रों में कभी भी नहीं पहुंच पाता है, 90 डिग्री क्षेत्रों में, तो मतलब ये ध्रुवों पर होती हो पर ही होती है। तो देखें दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री अक्षांशों के आसपास के क्षेत्रों में सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सबसे न्यूनतम आपतन कोण बना के पड़ती हैं, जिसके कारण इस भाग में सर्वाधिक कम तापमान होता है, प्लस स्वरूप यहाँ पर वायुदाब पाया जाता है। तो 76 सेंटीमीटर 11/3 मिली मिली बार, तो मान सकते हैं 76 सेंटीमीटर पे 1113 मिली बार यहाँ पर हवाएं पाई जाती हैं, और यहाँ पर एवरेज एयर प्रेशर होता है। तो ये थी अभी तक हमारी ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इसके पहले वाली इम्पोर्टेंट थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो भी थी या कि वायुदाब पेटियाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पवन संचार। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।